श्री राम समर्थ दिसंबर 4। गोंदवला का महत्व नाम के प्रेम में है। जैसे कोई बाप बैंक में पैसे जमा करता है और उसका ब्याज अपने बाद अपने बेटे को मिले ऐसी व्यवस्था करता है, वैसे ही जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उन्हें कम से कम अंत समय में तो सद्बुद्धि का ब्याज मिले, इसके लिए भरपूर पूंजी मैंने गोंदवला में जमा कर रखी है। आदमी कितना भी भ्रष्ट बुद्धि का हो गया हो, वह गोंदवला आए तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन होना ही चाहिए। कम से कम अंत समय में तो वह यहाँ आकर भला आदमी होकर मरेगा। अभिमान की बात नहीं है, किंतु गोंदवला का महत्व यदि किसी बात में है तो वह नाम के प्रेम में है। राम कितना दयालु है, उसके नाम का प्रसार हो इसलिए मैंने उसके नाम का बाजार शुरू किया है। प्रारंभ में मुझे ऐसा लगा कि अपना माल खपेगा कि नहीं, किंतु राम ने बड़ी कृपा की और पर्याप्त लोग नामस्मरण करने लगे। हम देखते हैं कि सब गांवों के नाम अलग अलग होते हैं। वैसे देखे तो सब गांव एक जैसे ही होते हैं। घर बार दीवारें शालाएं धर्मशाला चौकियां हर गांव में होती है, किंतु हर गांव का महत्व कुछ अलग ही होता है। गोंदवला में पैसे की उपज नहीं है, लेकिन नाम की फसल यहाँ अपरिमित है। मैं सदा यही कहता रहता हूँ कि जो जहाँ उगे वही वहाँ बो। यहाँ का कोई भी भक्त कहीं भी दिखाई दिया तो उसके व्यवहार से समझ में आना चाहिए कि यह गोंदवला का भक्त होगा। उसका मुंह लगातार हिल रहा है, उसका राम नाम का जप जारी है, इसलिए वह फलाने गुरु का शिष्य होगा ऐसा मालूम हो जाना चाहिए। कहते हैं ना कि अपने बड़े बूढ़ों का गुणगान नहीं करना चाहिए, वह संतान के आचरण से समझ में आना चाहिए। अतः अब एक ही काम करो, राम से हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह मांगो कि हे राम, तुम मुझे अपना प्रेम दो, हम अखंड नाम के रहेंगे, प्रारब्ध के भोग मैं सहर्ष भोगूंगा और तुम जैसा रखोगे उसमें आनंद से रहूंगा, तुम्हारा मधुर नाम हृदय में अखंड रखूंगा, यह मेरा निश्चय है। तब राम अवश्य कृपा करेंगे। सचमुच इस नाम से हमारी गृहस्थी हमारी अपेक्षा से न जाने कितनी अधिक सुखमय होगी। युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य था, तू मेरा स्मरण करके लड़ाई लड़, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। आज नौकरी करना या गृहस्थी चलाना हमारा कर्तव्य है, वही हम भगवान के स्मरण से करें, नीति और धर्म का आचरण करें तथा प्रारब्ध से प्राप्त सभी कार्य भगवान के स्मरण में करें, यही सब धर्मों और शास्त्रों का सार है। हम शक्कर खाते हैं तो वह मीठी लगती है, वैसे हम मीठे बोल बोले तो हमें मीठे बोल सुनने को मिलेंगे। हमारी सब बातें यदि भगवान के स्मरण में हो तो हमें भगवान का प्रेम भला क्यों न प्राप्त हो, तो हम भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ करें। इसका विश्वास रखो कि यही नाम हमें भगवान की प्राप्ति करा देने को समर्थ है। आज का मुख्य विचार, जो मेरा कहलाता है उसे नाम से प्रेम होना ही चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।